प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट हम आपको करा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना है, अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, ज़रा ध्यान दें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना है, जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, संबंधित है, जो आपके एग्ज़ाम में 12 नंबर की आती है। जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इस क्वेश्चन में हम आपको डबल फ़ायदा कराएंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन में हम आपको फार्मूले भी याद करा देंगे और आपको सलूशन भी करा देंगे, तो आपका यहाँ पर डबल फ़ायदा है। आप कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने या आम के आम गुठलियों के दाम, बच्चों का फ़ायदा ही फायदा है। देखिए क्वेश्चन क्या, ज़रा ध्यान दें। साइन थीटा बराबर वन तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। साइन थीटा बराबर वन तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। आगे आप देखिए, साइन थीटा बराबर वन तो वन की वैल्यू आप किस में देखेंगे, साइन में देखेंगे, तो साइन में वन की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है। ज़रा ध्यान दें, साइन में वन की वैल्यू 90 होती है, आप याद रखें, ये फार्मूला है। यहाँ से जब आप थीटा निकालेंगे तो साइन से साइन हट जाएगा, थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, 90। आगे आप देखिए, आपके क्वेश्चन में दे रखा है कॉस थीटा का मान ज्ञात करो या निकालो, तो कॉस थीटा का मान आपको निकालना है, तो थीटा बराबर क्या निकल के आया है आपका, 90, तो कॉस 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। ज़रा ध्यान दें, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। यहाँ पर आपका डबल फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं आम के आम गुठलियों के दाम, एक तीर से आपके दो निशाने हो रहे हैं। ज़रा ध्यान रखिए, अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।